और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। नमस्कार, मैं हूँ शमशीर आलम और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। सागर जिले से इस समय बड़ी खबर आ रही है, टेंडर खींचा जाने को लेकर युवा कांग्रेस नेता राहुल खरे पर जानलेवा हमला। सागर जिले में रेलवे गेट नंबर 26 के पास रविवार दोपहर टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने की बातचीत को लेकर कुछ लोगों ने युवक कांग्रेस नेता पर हमला कर दिया। हमले के पीछे कांग्रेस पदाधिकारियों के बीच टेंडर की आपसी खींचातानी को वजह बताया जा रहा है। जख्मी हालत में युवक कांग्रेस नेता थाने पहुंचे पर पुलिस ने मेडिकल जांच कराते हुए नामजद अपराध दर्ज कर लिया है। टीआई सतीश सिंह ने बताया, जख्मी हालत में राहुल खरे रविवार शाम को थाने आए थे एवं मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। आउटसोर्सिंग के टेंडर पर को लेकर बब्बू यादव नामक व्यक्ति से कहा सुनी हुई थी। रविवार दोपहर करीब 3 बजे जब राहुल खरे गेट नंबर 26 के पास से गुजर रहे थे, तभी कुछ युवकों ने पीछे से डंडा मार दिया। उन्होंने पीछे से फायरिंग करने की भी कोशिश की, जिसकी शिकायत राहुल खरे द्वारा कराई गई है। पुलिस ने लिखित निखिल एडियो, पवन यादव, संकेत, मनीष और अनुज पर नामजद सहित कुछ अन्य पर मामला दर्ज कर लिया है। अब देखना यह है कि पुलिस की इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि सरकार भी कांग्रेस की है, तो देखना अब यह है कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है या फिर नहीं। धन्यवाद। हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, जिससे आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी।